इनमें से कौन सी हैं जो मैंने रीपरचेज करी हैं, विच मीन्स दे वर्थ इन्वेस्टिंग। ये तो होगी इंडियन सनस्क्रीन्स जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। नाउ इन कोरियन सनस्क्रीन्स में से जो मैंने रीपरचेज करी है, हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आर सीरीज, जहाँ पे हम करते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट। आज हम करने वाले हैं बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ द मिनरल सनस्क्रीन्स जो मैंने लास्ट ईयर में एक्सप्लोर करी हैं, बिकॉज यू गाइस नो आई वाज प्रेग्नेंट लास्ट ईयर और मैंने काफ़ी सारे फिजिकल सनस्क्रीन टेस्ट आउट करे हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ हैं, कुछ एक और हैं जो मैंने परचेज किए थे, वो हम पार्ट टू में करेंगे बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। सो यहाँ पे अराउंड 8 or 9, 10 सनस्क्रीन मेरे पास पड़ी हुई हैं। लास्ट में आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन सी हैं जो मैंने रीपरचेज करी हैं, विच मीन्स दे वर्थ इन्वेस्टिंग। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिनरल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन है क्या। फिजिकल सनस्क्रीन मीन्स जिसके अंदर मिनरल फिल्टर्स डले हुए हैं। मिनरल फिल्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ये मिनरल्स होते हैं जो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, अब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। बट मैनी स्टडीज सेज कि जो ये फिल्टर्स हैं ये भी थोड़ी बहुत जो रेज होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट हाँ उतने लेवल का अब्जॉर्ब नहीं होता जितना जैसे केमिकल सनस्क्रीन्स हैं, वो तो चलो उसको अब्जॉर्ब ही करती हैं, बट कहते हैं कि ये भी थोड़ा बहुत स्किन में अब्जॉर्ब होता है, बट दिस कंसिडर्ड सेफ। नाउ जो जिंक ऑक्साइड होता है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ये आपके UVA एंड UVB रेज दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, वेयर एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो मोस्टली UVB फिल्टर होता है, बट सम स्टडीज से कि ये आपको UVA रेज से भी प्रोटेक्शन देता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं अगर आपका स्किन सुपर सेंसिटिव है, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, और इफ़ यू आर फेसिंग पिगमेंटेशन मलास्मा का प्रॉब्लम, यू नीड टू लुक फॉर फिजिकल सनस्क्रीन्स। अदरवाइज आप केमिकल सनस्क्रीन्स भी लगा सकते हो, वो ज़्यादा ईजी हैं ढूंढनी और लगानी निकालनी, वो ज़्यादा ईजी होती हैं, वेयर एज फिजिकल सनस्क्रीन थोड़ी हैवी होती हैं, निकालना थोड़ा मुश्किल होता है इनको। बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप यू नो डबल क्लेंस ज़रूर करें जब आप मिनरल सनस्क्रीन्स लगा रहे हो, और मैंने भी पिछले एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्लेंजिंग बाम और ऑयल्स यूज़ करे हैं। केमिकल सनस्क्रीन्स यूजली आपके मिसलर वाटर से निकल जाती हैं, बट फिजिकल सनस्क्रीन्स नहीं, उसके लिए यू नीड टू यूज़ इधर अ क्लेंजिंग ऑयल और अ क्लेंजिंग बाम। सो ये हो गया मिनरल सनस्क्रीन्स के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सनस्क्रीन विच इज़ दिस डर्माकोका 1% हैलुरोनिक एसिड टिंटेड सनस्क्रीन। यहाँ पे SPF ऑफ 60 है एंड PA 4 प्लसेज हैं। फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन है एंड ऑयल फ्री सनस्क्रीन है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसके अंदर एज सच कॉन्सेंट्रेशन मैंशन नहीं है जिंक ऑक्साइड का, बट इसके अंदर सिर्फ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड ही मिलेगा आपको, उसके अलावा कोई और इसके अंदर फिल्टर्स नहीं डले हुए हैं। इट्स अ प्योरली अ मिनरल सनस्क्रीन और इसके अंदर आपको मिलता है 1% हैलुरोनिक एसिड जो ऑफकोर्स स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। टिंट इसके अंदर डेफिनेटली है, विच इज यूनिवर्सल टिंट। जैसे अगर मेरी स्किन टोन वाला लगाएगा तो उसको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, मेरे से थोड़ा सा अगर आप डीपर स्किन में हो, थोड़ा सा स्किन टोन आपका डाउन है मेरे से, देन आपको ये एज अ टिंटेड सनस्क्रीन फील होगी। बट इस स्किन टोन पे ये टिंट नहीं लगता है, ये बहुत नॉर्मल स्किन लगती है। अगर आपको ये जो प्राइमर और सिलिकॉन लाइक टेक्सचर अगर आपको पसंद है, यू गोना लव दिस वन। नेक्स्ट आई हैव दिस न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शियर जिंक सनस्क्रीन। नाउ इसके अंदर SPF 50 है, PA इसमें 3 प्लसेस लिखे हुए हैं, और ये कहते हैं इट्स अ वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन एंड ऑफकोर्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, कहते हैं अल्ट्रा लाइट फील देगा। इसके अंदर भी जिंक ऑक्साइड डला हुआ है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड डला हुआ है, बट एज सच इस पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है कि कितना परसेंट जिंक है। टेक्सचर ऑफ दिस वन इज रियली रियली लाइट, इट्स अ वेरी लाइट लोशन लाइक टेक्सचर एंड एज द नेम से इट्स अल्ट्रा लाइट, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइट फील होती है स्किन में एंड इंस्टेंटली स्किन हो जाती है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट भी नहीं है। यस, इट्स वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन, तो अगर आपका ज़्यादा वाटर एक्टिविटी वाला काम है देन यू गोना लव दिस वन।
बट मुझे ये बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग नहीं लगी एंड हल्की सी आईज में स्टिंग भी करती है, सो नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन. नेक्स्ट इज दिस क्यूरेज का मैटिफाइंग सनस्क्रीन. ना इसके अंदर SPF of 30 है, UVA plus UVB से प्रोटेक्ट करेगा, फ्री फ्रॉम ऑक्सीबेंजोन एंड OMC. इसके अंदर आपको जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों फिल्टर मिल रहे हैं, प्लस इसमें काफ़ी सारे सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, एलेंटाइन हो गया, पैंथेनॉल हो गया, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं. सो अच्छी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी एंड आई थिंक इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, इसमें ऐसे फ्रेग्रेंस नहीं डली हुई है एंड टेक्सचर ऑफ दिस वन इज रियली रियली अमेजिंग. इट्स हैड अ वेरी नाइस लाइट लोशन, जो मतलब ऐसा हैवी वाला नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी लाइट लोशन. इट फील्स रियली रियली लाइट ऑन द स्किन, डजंट गिव यू दैट वाइट कास्ट ऑन योर फेस. सो इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. बट हाँ, थोड़ा सा यह है कि इसमें सिर्फ SPF of 30 है, नॉट SPF of 50 और 60. बट हाँ, मिनिमम SPF of 30 इज सफिशियंट. अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है सन में, देन आई थिंक दिस वन इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू. आई लव दिस, वुड लव टू रीपर्चेज दिस वन अगेन. नेक्स्ट आई हैव दिस न्यूट्रीजिना शीयर जिंक ड्राई टच सनस्क्रीन. सो दिस वन हैज SPF of 50 प्लस एंड PA 3+. ये भी वाटर स्वेट रेजिस्टेंट है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है एंड फ्रेग्रेंस फ्री है एंड ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन. सो इसके अंदर डाला हुआ है जिंक ऑक्साइड एट आई गेस 25% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. आई थिंक इसकी बाहर की पैकिंग पे लिखा हुआ था एज फार एज आई रिमेंबर, अदरवाइज का फुल रिव्यू देख लेना. उसके अलावा इसके अंदर मिथिकॉन्स ही डले हुए हैं इसकी बेटर स्प्रेडेबिलिटी के लिए, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ और इसके अंदर नहीं डला हुआ है. हैज़ दैट लोशन लाइक टेक्स्चर, बट इट्स अ थिक लोशन लाइक टेक्स्चर, नॉट वेरी सुपर लाइट. बट हाँ, इसको लगा के बहुत ही प्यारी सी एक ऐसे यू नो टोन अप फील आती है. बट हाँ, ये है कि जब आप इसको लगाते हो तो एक तो इधर हेयर लाइन के आसपास थोड़ा वाइट वाइट लगता है, प्लस अगर आप इसको फेस पे लगा रहे हो, मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपरली नेक पे भी लगाओ, लाइक जो भी आपका एरिया एक्सपोज है उस पे भी लगाओ, अदरवाइज नेक और फेस पे अलग अलग दिखते हैं, वो थोड़ा सा हिकअप है, तो आपको अच्छे से लगाना होता है. अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल सनस्क्रीन एंड ये सूटेबल रहेगी फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन. लाइक मैंने भी इसको यूज़ किया है, बट एक होता ना कि बहुत ज़्यादा इसे हैवी हैवी फील होता था समर्स के टाइम पे. विंटर्स के टाइम पे सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट अगर समर में ले रहे हो तो सिर्फ ड्राई स्किन वाले लेना, ऑयली स्किन वाले मत लेना, बिकॉज थोड़ा सा हैवी फील होता है. हालांकि ऑयल फ्री है, कॉमेडोजेनिक ये नहीं है, बट स्टिल थोड़ी सी हैवी फील होती है. That's the only con. Otherwise, it's a beautiful sunscreen. You can go for this one. I may not repurchase because मुझे थोड़ी heavy feel हुई. Next, I have this complete no stress mineral sunscreen from Excess Y. This one has SPF of 50 and PA 4+, which is great. Now, उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलता है मुगवर्ट और इसमें डाला हुआ है 2% of niacinamide and squalane. इसके अंदर zinc oxide, titanium dioxide दोनों डले हुए हैं. ब्यूटिफुल कंकॉक्शन ऑफ द इन्ग्रीडियंट, लाइक ऑफकोर्स फिजिकल फिल्टर्स प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मुगवर्ट है, सूदिंग है, कामिंग है फॉर एक्ने प्रोन स्किन, नियासिनामाइड इज ग्रेट फॉर मार्क्स एंड ऑफकोर्स स्क्वालेन है, इट्स अ ग्रेट हाइड्रेटर. टेक्स्चर इसका काफ़ी लाइट है, इट हैज़ अ लोशन, वेरी लाइट लोशन लाइक टेक्स्चर और एकदम बहुत ही प्यारी सी ज्यूई फिनिश ही आपको देती थी. बट गर्मियों में मुझे थोड़ी सी ये हैवी लगती थी, थोड़ी सी हैवी, मतलब सर्दियों के लिए तो इट्स परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन एंड इवन फॉर ड्राई स्किन, बट गर्मियों में थोड़ी सी मुझे ऐसे ना हैवी लगी. एंड ऑफकोर्स महंगी भी ये है, बट या आई वुड लव टू रीपर्चेज दिस वन जब भी मुझे इस पर एक अच्छी ऑफ मिलेगी. नेक्स्ट आई हैव दिस लाश शील्ड का फिस्को सन स्क्रीन. दिस वन हैज SPF of 50 एंड PA 3+. इसके अंदर अलग हुआ है 25% ऑफ जिंक ऑक्साइड. ये भी वाटर रेजिस्टेंट है अप टू 8 आवर्स. अपार्ट फ्रॉम जिंक ऑक्साइड इसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन्स हैं, टेक्सचर एनहांसर्स हैं, दैट इज इट. फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है विच इज अ प्लस एंड दिस हैज अ वेरी वेरी लाइट लोशन ही बोलूंगी मैं इसको, वेरी वेरी लाइट लोशन लाइक टेक्स्चर, बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है ऑन द स्किन एंड थोड़ा सा आई वुड से प्राइमर लाइक फिनिश है बिकॉज ऑफ द सिलिकॉन्स इन दिस वन, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, लाइक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट हाँ ठीक है. सो दिस वन विल बी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स.
विंटर्स के टाइम पे तो सब लगा सकते हो, इवन समर्स के टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया था, मुझे ये अच्छी लगी थी, बट एक बहुत ज़्यादा एक सुपर इम्प्रेस्ड वाला मुझे टेक्सचर इसका नहीं लगा था, सो गुड वन, बट आई वोंट बी रीपरचेजिंग दिस वन. नेक्स्ट आई हैव दिस बी प्लेन का क्लीन ओशन नॉन नैनो माइल्ड सन स्क्रीन. मैंने ये पूरे ब्रांड का रिव्यू किया था तो मेरे को ये लेनी थी बिकॉज ये फिजिकल सनस्क्रीन थी. इस पूरे ब्रांड का मैंने रिव्यू किया है, आप चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पे आपको मिलता है SPF 50+ एंड PA 4+ विच इज़ अ ग्रेट. नाउ इसके अंदर जिंक ऑक्साइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों डले हुए हैं, बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड खामेन इंग्रीडियंट इसके अंदर डले हुए हैं. टेक्स्चर इसका काफ़ी लाइट है, इट हैज़ अ लोशन लाइक टेक्स्चर, सिंक इन अच्छे से हो जाता है, बहुत ही प्यारी सी ड्यूई और टोन अप इफेक्ट आपको ये देता है. इट्स गोना बी सूटेबल फॉर मोस्टली ऑल स्किन टाइप्स. मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, बट हाँ ये है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई आई वोंट बी रीपरचेजिंग. बट हाँ कभी मुझे इस पर अच्छी ऑफ मिलेगी सो आई वुड लव टू ग्रैब दिस वन, इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. नेक्स्ट इज दिस थैंक यू फार्मर का सेफ सन फ्लूइड. दिस वन हैज SPF 50 एंड PA 4+ विच इज अ प्लस. और इसको 8 साल से 80 साल तक के लोग यूज कर सकते हैं. जो यहाँ मेंशन किया हुआ है एज 0880, सो 8 से 80. 100 ml की क्वांटिटी है विच इज़ ग्रेट बिकॉज 100 ml की क्वांटिटी होती है तो प्राइस अगर 2000 भी हो तब भी चलता है. एंड मोस्टली ये मुझे 1600 rupees के आसपास की ये पड़ी है स्किन वे से. एक तो जब उन पे ऑफ होता है प्लस मैं अपना ब्लॉगर कोड लगा लेती थी तो मुझे और ऑफ मिल जाता था. सो इसके अंदर जिंक ऑक्साइड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ टाइटेनियम डाइऑक्साइड डला हुआ है. सो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि पता नहीं ये प्रोटेक्शन देगी या नहीं, बट लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि हाँ सम स्टडीज से कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड कैन प्रोवाइड यू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन, लाइक UVA एंड UV rays दोनों से प्रोटेक्शन आपको देता है. प्लस इसकी फॉर्मुलेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इसके अंदर काफ़ी सूदिंग खामिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए थे. और ऑन द टॉप इसका जो टेक्सचर है दैट इज़ वेरी वेरी लाइट लोशन लाइक टेक्सचर और एकदम वाटरी सा टेक्सचर है. इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है और बहुत ही प्यारी सी ड्यूई सी फिनिश आपको देता है, लाइक टोन अप इफेक्ट काइंड ऑफ आपको देता है. वाइट कास्ट नहीं है, स्टिंग भी नहीं करती है आईज में. ब्यूटिफुल सनस्क्रीन, वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. नेक्स्ट आई हैव दिस मिनरल सनस्क्रीन फ्रॉम द डॉक्टर शेड्स. दिस हैज 25% ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड 2% ऑफ ग्लिसरिन. सो हाइड्रेट करेगा स्किन को. टेक्स्चर इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट है, लाइट लोशन लाइक टेक्स्चर, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है एंड देयर इज जीरो वाइट कास्ट विद दिस वन. Beautiful, affordable sunscreen. Would love to repurchase this one. Highly recommended for all skin types. Next, I have this ultra light zinc sunscreen from the Dermaco. This one has SPF 50 and PA 3+. इसके अंदर भी आपको 25% of zinc oxide मिल रहा है. वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है. टेक्स्चर इसका अगेन लाइट लोशन लाइक टेक्स्चर है, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है और आपको बहुत ही प्यारी सी ड्यूई सी फिनिश आपको ये देता है. बहुत ज़्यादा से वाइटिश वाइटिश आपको नहीं लगता है कि ड्यूई फिनिश लगती है, लाइक मुझे पर्सनली अपनी स्किन टोन पे. ब्यूटिफुल, हैज सूटेड परफेक्टली, फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है विच इज़ प्लस एंड अमेजिंग सनस्क्रीन. वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. सब सनस्क्रीन में से जो मैंने रीपरचेज करी है, सबसे पहले तो आई हैव रीपरचेज दिस मिनरल सनस्क्रीन फ्रॉम द डॉक्टर शेड्स. दिस वॉज माई एम्टी एंड दिस इज माई बैकअप विच आई हैव गॉट. सेकेंड जो मैंने रीपरचेज करी है इज दिस अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन फ्रॉम द डर्माको. दिस वॉज माई एम्प्टी, दिस इज द करंट वन विच आई एम करंटली यूजिंग एंड आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. तो ये तो होगी इंडियन सनस्क्रीन जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं. नाउ इन कोरियन सनस्क्रीन में से जो मैंने रीपरचेज करी है इज दिस थैंक यू फार्मर का सेफ सन फ्लूइड. दिस इज़ माई बैकअप एंड दिस इज़ माई एम्प्टी. सो ये मैंने अभी ओपन नहीं करी है बिकॉज आई हैव बिन टेस्टिंग रोवेक्टिन, ड्यूई ट्री,
फिर नंबर्स इन का खुला पड़ा है, डू का सनस्क्रीन खुला पड़ा है, तो मैं अभी इसको नहीं ओपन करूँगी. वंस दोज वर ओवर देन आई ओपन दिस वन, बट इट्स इन डीड अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन बिकॉज काफ़ी अफोर्डेबल मुझे लगती है ये, बिकॉज क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलती है. सो कोरियन में अभी के लिए तो दिस वन इज़ दी बाय फार दिस वन इज़ दी बेस्ट. एंड इंडियन सनस्क्रीन में तो मैंने आपको बताई दी मिनरल डॉक्टर शेथ एंड ये डर्माको वाली, दे आर सुपर अफोर्डेबल एंड रियली रियली अमेजिंग. सो या दैट वॉज इट अबाउट टूडेज वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. Bye-bye.